Hello everyone. How to find lowest and highest marks of a student? एक स्टूडेंट को लोएस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट में आया है और हाईएस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट में आया है, यह किस तरह से एक्सेल में पता करते हैं वो सीखते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हमारा ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स है जो एंट्री किया हुआ है ना। मैक्सिमम मार्क्स 20 का एग्ज़ाम है और अलग अलग सब्जेक्ट है, इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, हिंदी, मैथ, सब में अलग अलग नंबर आए हैं। तो किस में सबसे कम नंबर आया है और किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर आया है वह हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए यहाँ पर आप देखिए दो कॉलम है और एक कॉलम में लोएस्ट और दूसरे कॉलम में हाईएस्ट मार्क्स हम चेक करेंगे कि कितना लोएस्ट है और कितना हाईएस्ट है। तो आरती कुमारी को लोएस्ट कितना आया है और हाईएस्ट कितना आया है वो देखने के लिए यहाँ पर इक्वल टू सिंबल देते हैं। और इक्वल टू फंक्शनल सिंबल देते ही हमारे को देखिए यहाँ पर सम है और ये पॉप डाउन मेन्यू है फंक्शंस में, क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप खोजिएगा तो देखिए आपको मैक्स दिखाई दे रहा है और मिन दिखाई नहीं दे रहा है। तो मोर फंक्शंस पर अब क्लिक करेंगे। कहाँ क्लिक करेंगे आप? मोर फंक्शंस। मोर फंक्शंस पर क्लिक करते ही आपको देखिए ये आपको इंसर्ट फंक्शंस का ऑप्शन विंडो आ गया और यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं min मिन। ओके गो, तो देखिए मिन मेरे को सर्च कर दिया। मिन टाइप करके मैंने गो क्लिक किया तो मिन सर्च कर दिया। अब इस सेलेक्टेड मिन को ओके बटन क्लिक करेंगे तो हमारे को मिन आ गया और ये देखिए हमारा को ऑप्शंस आ गया है मिन कहाँ से कहाँ तक, D2 से L2। ये हमारा हो गया D2, ठीक है, और D2 से लेकर के L2 यहाँ तक में किस में मिनिमम है मार्क्स, टोटल मिनिमम मार्क्स कितना आया है जो देख लेता हूँ। ओके बटन क्लिक किए तो 16.1 है जो हिंदी में आया। इसे मिनिमम कितना आया? 16.1। किस तरह से मिनिमम निकाले अब देखिए, इक्वल टू क्लिक करते हैं पुनः और अब हमारे को मिनिमम यहाँ पर ऐड हो गया, इसमें इस फंक्शनल विंडो में मिनिमम ऐड हो गया। क्लिक करते हैं मिनिमम और ये हमें ज्ञात करना है मिनिमम। तो यहाँ पर हम देखिए आयुष कुमार का देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक किए और ड्रैग करते चले जाइए तो ये फार्मूला अपने आप लिख देगा, आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। कहाँ से कहाँ? D3 से L3। उसके बाद ओके बटन क्लिक करेंगे, देखिए निकाल दिया है ना। और नहीं तो आप फार्मूला टाइप भी कर सकते हैं, है ना, इक्वल टू लिखने के बाद आप min मेन टाइप किए है ना, उसके बाद ब्रैकेट दिए ओके और ये आप ले लीजिए, हो गया। D4 से कहाँ तक आपको लेना है? L4 तक, तो D4 कोलोन और फिर आप L4 पर क्लिक कीजिए। देखिए पूरे को सेलेक्ट कर दिया, यानी इतने सारे सब्जेक्ट्स जो हैं मैं अलग अलग जो मार्क्स आए हैं उसको सेलेक्ट करेगा। एंटर बटन क्लिक कीजिए, आ गया 17 मार्क्स इसे आया है। SST में मिनिमम मार्क्स इसका आया है। अब यहाँ पर हम दो बार क्लिक कर दें लेफ्ट क्लिक, वाइट प्लस से जो सेलेक्टेड था और ब्लैक प्लस पे आकर दो बार क्लिक किए तो सभी सब का मिनिमम मार्क्स आ गया है ना। तो इस तरह से आप मिनिमम मार्क्स निकाल सकते हैं और मैक्सिमम के लिए भी सेम। यहाँ पर आते हैं इक्वल टू, हाईएस्ट के लिए इक्वल टू और ये पॉप डाउन मेनू पर क्लिक किए, क्लियर, और ये रहा आपका मैक्स। ओके D2 से M2 ले रहा है तो ये M2 नहीं लेना है, हमारे को L2 तक ही लेना है ना। तो इसे आप डिलीट करके एल भी टाइप कर सकते हैं, D2 to L2। ओके 19.3 से मैक्सिमम आया है किसमें? ड्राइंग में। ओके तो ये देखिए ये L2 है ना, और ये D2 है। अब इसी तरह से ये देखिए ये इस सेल, ये सेल कौन सा सेल है? D3 सेल है। और यह सेल हमारा कौन सा सेल है? यह सेल हमारा L3 सेल है। तो यहाँ निकालने के लिए क्या करेंगे? इक्वल टू मैक्सिमम हाईएस्ट मार्क्स के लिए, और ये देखिए हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं मैक्स, क्लिक किए और ये देखिए सिंपल सा चीज़ है, ये यहाँ से यहाँ मैं ड्रैग भी करके निकाल सकता हूँ कितने में देखना है, D3 से L3 हो गया। ओके ये हमारे को मैक्सिमम मार्क्स से 20 आया है किसमें? साइंस में, क्लियर। अब यहाँ पर कॉर्नर पर ये जो ब्लैक प्लस व्हाइट प्लस से सेलेक्ट किए और ब्लैक प्लस बना, ब्लैक प्लस से दो बार क्लिक करेंगे
का मैक्सो मार्क्स आ गया, कितना मैक्सो मार्क्स आया है ये भी निकल गया, और कितना मिनिमम मार्क्स आया है यह भी निकल गया। तो इस तरह से हम लोग मैक्स और मिन फंक्शंस का यूज करते हैं। थैंक यू।